अभी ना दुनिया का एक ना उसूल है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पहला वैसा नहीं था, पहला रिश्तों की कदर थी, जबान का वैल्यू था, अभी वैसा नहीं। अभी साले खुद के फायदे के लिए ना अपने माँ बाप को बेच डालेंगे, और इतने मतलबी होते हैं कि अगर जहां पे इनको मालूम कि हमारे को फायदा होएगा तो साला जाके उनके तलवे भी चाटेंगे। तो ऐसे ही ना, ऐसे संभाजी नगर से आकाश आ रहा है जिसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, तो हम बुला लेते उसे और सुनते उसके मुंह से वही कहानी। आकाश आ जाओ। हाँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था ऋषभ। वो और मैं स्कूल से अब तक साथ में ही पढ़ाई करते हैं। वो बीबीए में मेरे साथ में था, एमबीए में भी साथ में। उसने सेकंड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में टॉप कर लिया। अबे साले, तो वो पढ़ाई किया इसके लिए वो टॉप किया। अगर वो मेहनत करके करता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने चीटिंग की। उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए एचओडी जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चलाए, उनके साथ अफेयर चलाए, इसलिए वो टॉप कर पाया। 19 साल से जो कर नहीं पा रहा था ना, वो अफेयर चला के किया उसने। तो आखिर चाहता क्या? या तो वो एक्सेप्ट कर ले कि माधुरी मैम के साथ रिलेशन की वजह से उसने टॉप किया, या फिर अपनी आंसर शीट पब्लिक कर दे, सब लोगों को दिखा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे एक बात बता। हाँ बो। लोग दोस्ती के लिए जान देते और तू उसका रैंक छीन रहे। हाँ? कैसे भाऊ, दोस्त इस लायक भी तो होना कि उसके लिए जान दे सके। वो तो मेरे जान के पीछे पड़ा है। आकाश को लगता है कि उसने नंबर वन की रैंक है ना, वो लाइफ टाइम के लिए खरीद ली। वो नहीं देख सकता कि मैं पहले नंबर पे आया हूँ। बस यही प्रॉब्लम है उसका। लेकिन उसका तो वो कहना है कि तेरी वो मैडम कौन है, क्या नाम उसका, वो माधवी। हाँ, उसके साथ तेरा लपड़ा चालू है, इसके लिए तू फर्स्ट आया। वो बोल रहा है कि मैं माधवी से प्यार करता हूँ इसीलिए मैंने टॉप किया। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये दोनों बातें अलग है। मैं टॉप अलग किया हूँ, मैंने माधवी से प्यार किया, ये बात अलग है। It's just a coincidence that she is my HOD. तेरे को क्या लगा रे, हम लोग गांव से आया क्या? इतना भी समझ में नहीं आता हमको? ऐसा नहीं है भाऊ, प्यार करता हूँ मैं। ये प्यार मेरे को समझ में नहीं आया ना, प्यार करता है वो समझ में आया, बाद में से डायलॉग दे रहा हूँ। अरे ये प्यार कैसा, ये प्यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा जरा। प्यार में नहीं देखते ना अपन, उम्र अंधा होता है प्यार। अब मैं उम्र थोड़ी ना देखूंगा प्यार करते समय। तेरा प्यार तो अंधा है, पर जो तू निशाना मारा है ना बेटा, एकदम बीचो बीच, एकदम परफेक्ट। हाँ, जानता है ना कि वो तेरे से कितनी बड़ी है? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, वो 12 साल बड़ी है मुझसे, पता है मुझे। हाँ, और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो तेरे से बड़ी है फिर भी? नहीं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अब वो उसके लिए मैं राइट बंदा है ना भाऊ। तेरे को लगता है कि तेरा फ्यूचर आगे बढ़ेगा उसके साथ, लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। कैसे? वो जॉब कर रही है, अच्छा खासा कमा रही है, मैं भी पढ़ लिख के अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा तो सेटल है भाऊ। वो भी कमाएगी, मैं भी कमाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वारे प्यारे, मोहब्बत के मारे